आप असेंबली में आकर बात कर ले, आपके मेंबरान में मौजूद है, बात कर ले, जवाब सारा मिल जाएगा। असेंबली में चीफ के मर गई, आप उनको रेट देने को तैयार नहीं थे। आप कार्रवाई करते रहे, रेट आपने बताया। भाईजान, जिस दिन रेट 10 फरवरी को साइन हुआ, मैं उसे दो दिन पहले कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को बता चुका था। उससे पहले जो एग्रीमेंट ना हुआ, मैं कौन सा रेट बताऊंगा? जमान ने मंगवाया था वो। किसने? जो इससे पहले कार्गो आए थे वो किससे मंगवाए थे? इससे पहले जो कार्गो आए वो टेंडर के जरिए आए हैं, वो जी2जी प्रोसेस के जरिए आए हैं। कोई कार्गो हमने कतर से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं लिया। उन सब की डिटेल्स हमने, कीमत कब आया, कैसे खरीदा गया, सेनेट के अंदर एक एक कार्गो की डिटेल मुहैया की, जो की आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं की। हर चीज बड़े ट्रांसपेरेंटली मुहैया हुई। जिस दिन एग्रीमेंट साइन होने से दो दिन पहले, ये रिकॉर्ड पर है, कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में पूरी ब्रीफिंग उनको दी गई। यार मेरे भाई, आप इल्जाम लगाते रहे, इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे, अगले इलेक्शन में मुलाकात होगी। कारा साहब, आपको 100% यकीन है कि इसमें सैफ रहमान साहब शामिल हैं? यार उनको यकीन हो रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये स्टेट सबूत खाक मुहैया करेंगे। जिस देखे एक स्टेट है, आप स्टेट पर इल्जाम ना लगाए। किस किस्म की गुफ्तगू है यार? ये कहानियां छोड़े, ये कहानियां, यार कहानियां मैं भी बता दूं, कहानियां मैं भी जानता हूँ। मैंने स्पेसिफिक बात की है बच्चा, उसका कोई सबूत? मैं कह रहा हूँ कि सैफुर रहमान ने खुद कहा है, कल के अखबार खोल के देख ले उसने क्या क्या कहा है। चलो वो पढ़ दे, पढ़ दे उसने क्या कहा। तो पढ़ ले, मेरे पास आप पढ़ दे, आप पढ़ दे, आप अखबार पढ़ के सुना दे, कल का दर्द दे, पढ़ के सुना दे। उसने खुद कहा है कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ कतर के जरिए, और मैंने वहां बैठे हुए डील के अंदर मैंने अपना रोल प्ले किया। यार आप यार सुना दे, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। यार आप क्या बातें कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पीएसओ और कतर गैस ने नेगोशिएट किया, आप आज कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। ये बड़ी स्टेटमेंट दे दी आपने, मुझे बता दें कौन सा हमारे में भी निकलवा लेती हूं। शायद एक मिनट चुप करें जी, शायद एक मिनट चुप करें। बात यह है कि इनके वजीर आजम साहब ने आज कहा कि मुझे लोगों ने कहा 6 महीने का कह दो बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे लोगों ने कहा 1 साल का कह दो, मैंने झूठ नहीं बोला। तो जो भाई साहब कहते रहे कि मेरा नाम बदल देना अगर मैं लोड शेडिंग खत्म ना करूं, वो झूठ बोलते रहे ना, यही कहा ना उन्होंने। किसने कहा? एक तरफ कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं। की बात करें यार, शहबाज शरीफ का सवाल शहबाज शरीफ साहब से कर ले, मैं तो यहाँ जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब दे दे। मामले में भी शहबाज शरीफ मैं तो